बेटी मीना, बेबी, अरे बेटी, बेटी, अरे रुक जा, ऊपर मत जा बेटी, मीना बेटी, अरे घर जा, वहाँ ऊपर मत जा बेटी। अरे ये क्या है, ये क्या, गलत गलत काम आता, ये क्या बदतमीजी है मीना, यहाँ कैसे चली आई, ले जाओ इसे यहाँ से। अगर मुझे कहीं भेजना ही है तो मेरी मम्मी के पास भेजिए, पर मम्मी तो भगवान के घर गई है ना। डैडी मैं गुड गर्ल बनूंगी, आपके कमरे में नहीं आऊंगी। राम रतन क्या खड़े मुंह देख रहा हूँ, ले जा मैं से यहाँ से। मालिक आप इस मासूम को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? राम रतन हमने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है, इस बच्ची के स्कूल में एडमिशन हो गया है, रुपए भी भेज दिए गए, और फिर यहाँ इस बिन माँ की बच्ची की देखभाल कौन करेगा? मालिक बिटिया की चिंता मत कीजिए, मीना बिटिया की देखभाल मैं करूंगा। बहस मत करो राम रतन, तुम समझते क्यों नहीं कि हम जैसे शराबी के साथ ये लड़की रहेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपनी माँ की तरह घुट घुट कर मर जाएगी। एक तो ये शादी हमारे लिए एक उलझन थी, सिर्फ एक बंधन था जिसे हम नहीं चाहते थे, अब फिर दोबारा इस लड़की के बंधन में हम नहीं फंसना चाहते। इसे ले जाओ आज इसे नैनीताल पहुंचा दो, ले जाओ ना इसे राम रतन। क्या किया आपने? रो मत बेटी, मत रो बेटी। अरे मीना, वो नैनीताल है ना, बहुत अच्छी जगह है, वहां पे बहुत बड़ा झील है। This is not Rakhara. I warn you. ये फोन खेलता है, ये हॉकी है देखेगी, बॉल बजाएंगी तो बैठ जाएंगी। You shut up. तू सेंटर फॉरवर्ड खेल, मैं उसको मजा चखाती हूँ। मीना तुम स्टूडेंट हो, इस क्लास की मॉनिटर हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ये गार्डन पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता की अमानत है, इसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा जुर्म है।
ऐसी हरकत करने वाले को तो डूब मरना चाहिए। चलो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, वो डूब मरना चाहिए। शट अप। शोर क्यों मचा रहे हैं? हाय, आपकी तारीफ। अगर आपको शोर मचाना है तो कहीं और जाइए, वहाँ हमारा क्लास चल रहा है, डिस्टरबेंस होता है। अजी मिस साहिबा, ये गार्डन है, यहाँ पे क्लास लगाने की सलाह आपको किस बेवकूफ ने दी? यहाँ तो प्यास बुझानी चाहिए। दो चार सहेलियाँ को बुलवा लीजिए, वरना आप ही का साथ काफी। ये हाथ देखा है, काफी खूबसूरत है, दिखाइए ना, कहीं इन रेखाओं में मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ है। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए ना, जरा मेरी बात तो सुनिए, मैंने इन्हें गुंडों से बचा, जरा इनसे। नॉनसेंस, ये भी उन्हीं में से एक है। शट अप। आइंदा किसी लड़की से ऐसी हरकत की तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। कम ऑन गर्ल्स, आई सेड कम ऑन, हरी अप। लड़कियों को छेड़ता है। वाह साहब, मियां की जूती और उसी का सर, इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। कितनी देर और ठहरना पड़ेगा, मैं तो बोर हो गई, और फिर मेरा हाथ भी अच्छा है। फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, कल को कुछ हो गया तो लोग हमें दोष देंगे कि हमने कोई इलाज नहीं करवाया। आने दीजिए डॉक्टर को। मैडम, डॉक्टर्स कम। हमारे हॉस्टल की एक लड़की के हाथ में मोच आई है, मालूम नहीं स्प्रेन है या फ्रैक्चर। आइए ना जी। आइए जी। हाँ बैठ जाओ। ये है वो लड़की मीना चौधरी, और ये है डॉक्टर दिलीप। ओ नो। ओ यस। ये सब कैसे हुआ? इनका क्लास बोटरी के लिए गार्डन में गया था। अच्छा। वहाँ एक शरीफ गुंडे ने इसका हाथ मरोड़ दिया। हाथ मरोड़ दिया? हाँ। आजकल के लड़के बड़े बदतमीज होते हैं, है ना मिस मीना? जी हाँ, लेकिन हमारी लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं। उस गुंडे को मार मार कर भुर्ता बना दिया, जिंदगी भर याद करेगा, अगले जन्म में भी याद करेगा। लेकिन मिस मीना, क्या वाकई वो लड़का लोफर था, गुंडा था? हो सकता है उसे गलत फहमी में मार पड़ी हो। जी नहीं, वाकई वो लोफर था, गुंडा था। हो सकता है, हाथ दिखाइए। नहीं दिखाती, हाथ अब ठीक है, मेरा हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं, समझे? ये क्या बदतमीजी, दिखाओ अपना हाथ। देखिए। थैंक यू। दर्द यहाँ है? नहीं। यहाँ? नहीं। यहाँ? समझा, अभी भी दर्द है। नहीं आपने। खामोश। डॉक्टर, क्या सचमुच केस बहुत सीरियस है? जी हाँ, बहुत सीरियस है। हमारे यहाँ एक ऐसा ही केस आया था, एक औरत फिसल गई और उसके हाथ में मोच आई। इलाज फौरन नहीं किया गया क्योंकि उसके हाथ का दर्द कम हो गया था, लेकिन दर्द मिटा नहीं, हाथ से दिमाग तक पहुंच गया था। आजकल बेचारी पागलखाने में है, मुझे डर है कहीं इन्हें भी वहीं न जाना पड़े। हाँ, पागलखाने में तो तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर। देखा, इसका इलाज। अभी ये केस इतना होपलेस नहीं हुआ, आप इन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, वहाँ स्क्रीनिंग करके बता दूंगा कि दर्द कहाँ पर है। नो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी डॉक्टर। डरो नहीं है ना, तुम अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर, मैं इसे शाम को हॉस्पिटल ले आऊंगी, मगर तब तक आप कोई दवाई भिजवा दीजिए। दवा की कोई जरूरत नहीं, आप इन्हें कैस्ट्रॉल दे दीजिए। कैस्ट्रॉल? जी हाँ, कैस्ट्रॉल। अच्छा, मैं इसे पिला दूंगी। नो, खामोश। जी नहीं, मेरी मौजूदगी में पिलाइए, कहीं डोज कम ज्यादा ना हो जाए। ओह, आया, कैस्ट्रॉल की शीशी ले आना। नो। ओ नो मैट्रन जी, नहीं, ये डॉक्टर का बच्चा। जी नहीं, केस बहुत सीरियस है, गिलास को भर दीजिए। नहीं मैट्रन जी, नहीं, ये क्या बात कर रही हैं, प्लीज मैं। हाँ
चलो पी लो। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। मैं कहती हूँ पी लो। नहीं ये इस तरह नहीं मानेगी, इसे जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। नहीं छोड़ दो मुझे मम्मा। पिलाइए। दर्श लगे। डरिए मत मिस मीना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। अरे जाजा मैं ही तुझे ठीक करूंगी। आज शाम को आप उन्हें स्क्रीनिंग के लिए ले। नहीं आती। बाय बाय मिस मीना। लेटर। जेनी तुम्हारा पत्र। मेरा दिन है। अरे वाह। पिताजी लिखते हैं, हमने वचन दिया था कि तुम शिक्षा पूर्ण करो तो तुम्हें फियाट गाड़ी देंगे। नई फियाट आ गई है। फियाट गाड़ी बेस्ट का वो। हाँ बस तुम्हारे घर आने की प्रतीक्षा है। सुनो अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि इम्तिहान खत्म होते ही फौरन घर चले आना और आके देख लो कि तुम्हें यूसुफ मियाँ पसंद है या नहीं, जिनसे तुम्हारा निकाह। मेरी मम्मी का खत है। लिखती है अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई का पार्सल भेजा है, सहेलियों में बांटकर खाना। ऑफ कोर्स मम्मी, सहेलियों के बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ। मैं दिन रात सोचती हूँ कि मेरी नैन घर कब आएगी। तुम्हारे बगैर ये घर सूना लगता है। मीना, मीना क्या हुआ? मीना 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 क्या हुआ मीना को? अरे उस बिचारी को उसके पिताजी कभी पत्र नहीं लिखते, इसलिए उसे दुख होता है। लेकिन उसके पिताजी उसे क्यों नहीं पत्र लिखते? भगवान जाने। गोली बहुत ही मस्त हो गया तो दिलावर कहां मर गया? वो किसी भी महावत के काबू में नहीं आ रहा है। अगर आप हुक्म दे तो उसे गोली मार दे। रखो मत, रखो इसे। हेलो 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 बैक, हेलो बैक बैक। खड़े खड़े क्या जाते हो? जाओ जाओ जाओ। कालिया कल तुम काम पर क्यों नहीं आए? हजूर मेरी माँ बीमार थी। माँ बीमार थी? तुम तो नहीं बीमार थे। जी नहीं, लेकिन एक दिन नहीं आया तो क्या हुआ? शट अप, मुंह पर जवाब मत दो। क्या जवाब दिया हजूर? फिर जवाब। तुम्हारी माँ की बीमारी से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे वो मर भी जाए तुम्हें काम पर आना चाहिए। ऐसी गलती नहीं होगी हजूर, मेरी माँ मर चुकी है। अच्छा हुआ मर चुकी, जाओ काम पर। और अच्छा हजूर। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते जी। नमस्ते चौधरी साहब, टेंडर खत्म होने का वक्त आ रहा है, अगर जल्दी से माल ना मिला तो बहुत नुकसान होगा। इसका नुकसान होगा जी मेरा वाला, तुमसे बार बार हमने कहा कि माल हम अपनी मर्जी से देंगे। चौधरी साहब ये लाख रुपए का चेक, ये चेक मुनीम जी को दे देना। कमाल है, 24 घंटे शराबी पीता रहता है, काम धंधे की तरफ देखता। हाँ भाई, शांतिवर्धक गोली दे दो। अरे गुस्सा तेरे बाप को चढ़ा था, शांतिवर्धक गोली दे रहा है। आपको माल मिला? चल क्यों, मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? स्टूपिड,
मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो शेक कर रही थी। शेक का आज विलायत में बड़ा क्रेज है। ओ, तो ये तुम्हारा विलायती नृत्य है? ये जवान लड़कियां नाचती हैं, ये बुढ़िया भी? यू बुढ़ा, यू कॉल मी बुढ़ी, लुक माई फिगर, कोई कह सकता है भला? आई बॉर्न विथ टू सन्स। तुम तो अभी 16 बरस की बालिका लगती है ना। ओ हनी, आओ मैं तुम्हें डांस सिखाऊं। क्या कर रही हो? मैं पहले इस घर में तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ, अब और क्या नचाओगी मुझे? लाला जी, श्रृंगार मुझे दे दू। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ माई गुडनेस, आज थोड़े के तो मुन्ना को लेने स्कूल गया होगा। जाओ जल्दी जाकर मुन्ना को लाओ, नहीं तो खो जाएगा गधा। तब रामचंद्र जी आगे बढ़े, उन्होंने इस छड़ी की तरह धनुष को उठा लिया और उसमें डोर बांधने लगे। धनुष के दो टुकड़े हो गए, उनकी जय जयकार हुई। तब सीता जी आगे बढ़ी, उनको वरमाला पहनाई। ये खटाने कौन मार रहा है? मुन्ना, मुन्ना, उधर क्या देखते हो? क्या देखो? क्यों, मैं पढ़ा रहा था और तुम सो रहे थे? नो सर, मैं आग बंद करके सोच रहा था। क्या सोच रहे? जो आप पढ़ा रहे थे। क्या कह रहा? जो मैं सोच रहा था। अच्छा बताओ, शिव धनुष किसने तोड़ा? शिव धनुष मैंने नहीं तोड़ा। अरे ये तो मैं भी जानता हूं कि शिव धनुष तुमने नहीं तोड़ा, लेकिन शिव धनुष तोड़ा किसने? टीचर, आप हाली फिली मेरे गले पड़ रहे हैं। शिव धनुष मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा होगा। आई स्वर अपन होली घोष। शांति शांति, इधर आओ। आता हूं। इधर आओ। आता हूं। इधर आओ। ये क्या बंदरों की तरह कमर मटकाते हो? तुमको बड़े बूढ़ों का भी आदर नहीं? सीधे खड़े रहो। क्या खाते हो? चना, आप खाएंगे? चुप रहो। शांति शांति। टीचर, आपको इस स्कूल में टीचर बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ, लेकिन मैं इस स्कूल में 8 साल से इसी क्लास में हूँ। जरा सा तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखिए। शांति शांति, चलो मेरे साथ। इधर चलो। पिताजी के पास। किसके पिताजी के पास? अरे तुम्हारे पिताजी के पास, और नहीं क्या मेरे पिताजी के पास? तो फिर लो उंगली पकड़ो। क्यों? अगर हम रास्ते में किसी मोटर या बैलगाड़ी के नीचे आ गए तो? 1 मिनट, मेरा बैग। बैग ला के दो, जल्दी करो, पकड़ो, चलो। लाला जी नमस्ते। अरे कौन है बे? ओहो पंडित जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहिए, हमारा मुन्ना स्कूल में कैसे पढ़ रहा है? 8 साल से फेल हो रहा है, इस साल तो इसे पास कर ही दीजिए। आप कहेंगे तो स्कूल में एक हाल भी बनवा दूंगा। असंभव, आपके सुपुत्र परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। उत्तीर्ण? ओ हाँ, मगर क्यों क्यों? क्षमा कीजिएगा, निवेदन है। पको। अबे तू मत बक पंडित जी को बकने दे। ओ माफ कीजिए, आप कहिए कहिए। सुपुत्र का चित्र विद्या ध्यान में किंचित नहीं लगता। चित्र या चित्त? चित्त। चित्त कैसे नहीं लगता? मैं इसे अभी चित्त पूर्वी की गोलियां देता हूँ। अरे लेकिन लाला जी, ये कोई रोग थोड़े ही है जो गोलियों से ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या है? अबे सीधा खड़ा रहा, क्या है? हुआ क्या कि मैंने इससे एक साधारण सा प्रश्न पूछा। दादी दादी मैं बोलूँ? अबे तू नहीं, पंडित जी को बोलने देकर। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा बेटा, मैंने पूछा, मुन्ना जी बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? तो इसने जरूर झूठ बोला होगा, फौरन ही कहा होगा कि मैंने नहीं तोड़ा। क्यों बे? डैडी, आई स्वर अपन यू एंड आई स्वर अपन दिस होली घोस्ट, मैंने इनका कुछ भी नहीं तोड़ा, ये खाली पीली गला पड़ता है मेरा। अरे मैं तेरी नस नस को पहचानता हूँ, धनुष तू नहीं तोड़ा है। डैडी 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 डैडी
मामी, मामी, मामी। हनी, हनी, नेटिव की तरह बच्चे की पिटाई कर रहे हो। इंग्लैंड में बच्चों को फूल समझते हैं, फ्लावर, फ्लावर। मारने से बच्चों के दिमाग पर साइकिल और लॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मम्मी, साइकिल और लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। ओह, आई नो दैट। पुट मी ऑन अर्थ। अनर्थ हो गया। व्हाट? अरे तुम्हारे सन्नी ने शिव धनुष तोड़ा है और ऊपर से झूठ बकता है कि मैंने नहीं तोड़ा। क्यों बे तोड़ा? मम्मी, इसने नहीं तोड़ा होगा, वो पुराना होगा, टूट गया होगा। हे भगवान, कहाँ आके फंस गया? देवी जी, मैं तो रामायण के धनुष की बातचीत कर रहा था जिसको श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा। ओ, तो फिर वो राम। अरे तो फिर राम के बाप के पास जाओ ना, इसके बाप के पास। ठीक है, तू गलत जगह पे आ गया। क्षमा करना देवी, क्षमा करना। मामी, मामी, ये धनुष ना, ये धनुष मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं जरा फ्रेश एयर खा के आता हूँ। बाय मामी, बाय बाय। पुतली, पुतली, इतने साल से तुझे देख रहा हूँ, इतने साल से, लेकिन कभी ऐसी हालत नहीं जैसे कि आज हो रही है। मेरे तन बदन में आग लगी है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मुझे भूख लगी है, खिलाओ। स्कूल से भाग कर आए हैं ना, इसलिए जा, जाकर दूध पी। पिलाओ। यहाँ कहाँ है दूध? जा, घर जाकर पी। यही तो मुसीबत है, तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो, लेकिन मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जानती हूँ मैं 8 साल से एक ही क्लास में क्यों फेल हो रहा हूँ? पूछ पूछ। बको, वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि तुम दिमाग के कच्चे हो। ना मैं कच्चा हूँ, ना मैं बच्चा हूँ, मैं तो सच्चा हूँ। सच्चा क्या? तेरे प्यार का सच्चा। अब मुझे पता चला कि ये सब गड़बड़ क्यों हो रही थी। पूछ पूछ। बको, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना। लो, मुन्ना प्यार करने लगा। जो चड्डी पहनकर फिरता है, स्कूल की बैग लटकाए घूमता है, जिसके मुंह पर मूछ भी नहीं आई। धत तेरी का, तुमने तो सिर्फ मेरा मुंह ही देखा है। अरे मूछ दाढ़ी तो मैं रोजाना ब्रश से साफ कर देता हूँ। तुमको चड्डी नहीं अच्छी लगती ना, तो मैं कल से चड्डी नहीं पहनूंगा। हाँ, और है ना, तुमको दाढ़ी मुच्छी अच्छी लगती है, तो फिर मैं सरदार जी की जैसी दाढ़ी मुच्छी रख लूंगा। फिर तुम मुझे मुन्ना नहीं, मुन्ना सिंह पुकारना। हूं गल समझ में आई? अरे बाप, पुतली, मुझे तो मिर्गी थी, लेकिन ये सामने से मुर्गा आ रहा है। पकड़ ले मुझे, पकड़ ले, पकड़। पुतली, तू यहाँ क्या कर रही है? ये किसका बच्चा है? मुन्ना, ठेकेदार का बेटा मुन्ना। क्या हुआ इसे? इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। चल हट, मैं अभी इसकी मुर्गी निकाल दूँ। नहीं नहीं, मेरी मुर्गी, मेरी मुर्गी ठीक हो गई, मेरे मुर्गे। भैया पहलवान, मेरी मदद करना, मुझे एक प्याज ला दो। प्याज? प्याज नहीं तो कांदा चलेगा, कांदा नहीं तो कांदा वाला ला दो यार। जा जा, जल्दी से ले आ। तेरा हुक्म सर आंखों पे है मेरी जान, शादी करने से पहले ही तुमने मुझे गुलाम बना दिया। कांदे की औलाद, जाना कांदा। अभी जाता हूँ। ले, हाथ का सहारा ले, चलता। पुतली, क्या तुम इस पुतले से शादी करो? अरे इस जानवर से तो ये जानवर अच्छा है जिसकी दुम नहीं। तो इतने साल से क्यों नहीं बताया? अरे मुझे शर्म आती थी ना, लेकिन अभी तो बताया था ना थोड़ी देर पहले। बुद्धू नहीं बोलेगी मेरे को? मतलब यही कि मैं एक गुंडा हूँ, बदतमीज हूँ, आवारा हूँ।
है ना? मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी गलत फहमी थी। आप बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं, स्पोर्ट हैं। एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में थे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे। वाओ, ये फिगर तो स्पोर्ट्समैन की ही है, आपको तो ओलंपिक्स में खेलना चाहिए। फिर झूठ? कितना झूठ बोलेंगे आप, कभी गलती से सच तो कह दीजिए। क्या चाहती हैं आप? सच बताऊं? कोशिश कीजिए। आपकी वजह से तो मेरी जान मुसीबत में पड़ गई है। न खेल सकती हूँ, न घूम सकती हूँ। खाना भी हर रोज परहेज का मिलता है, और वो जालिम मैट्रन, वो तो हर रोज कैस्ट्रो ऑयल पिलाती है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे एक सर्टिफिकेट लिख दीजिए ताकि मेरी जान उस मैट्रन से बचे। प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। इसका मतलब है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अगर एक भोली भाली लड़की को सताने में ही आप अपनी शान समझते हैं तो ठीक है। नमस्ते। जरा सुनिए, इजाजत दे सकता हूँ। मैट्रन जी, मीना चौधरी अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कैस्टर ऑयल ना दिया जाए। वो जो चाहे खा सकती है, खेलों में हिस्सा ले सकती है, लेकिन पिछला इलाज बंद करने की सूरत में ये जरूरी है कि उन्हें शाम को 6 बजे लेक पर घूमने की इजाजत दी जाए। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। आज तो सचमुच तेरी चोटी काट दूंगी। बोल, क्या इरादा है? बोल, मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं चोरी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मेरा टैक्स मुझे मिल गया। नहीं, इसे मत लो, ये मेरी मरहूम माँ की याद है। मरे हुए की याद नहीं करनी चाहिए बेबी, तेरी माँ तो मर गई, अब उसकी याद भी मरने दे। नहीं पर... चेन वापस लौटा दे। झगड़ा करना चाहती हो? पहले हाथ छोड़ो फिर बात करो। पहले चेन दे दे फिर हाथ छोड़ूंगी। चल हट। चुन्नू, इस नासमझ बालिका को मेरा नाम बता दे। खैरियत चाहती है तो चेन वापस कर दे, वरना आज तुझे मेरा नाम पूछना पड़ेगा। नहीं मीना, नहीं, इससे झगड़ा मत करो। नहीं चाहिए मुझे मेरा चेन, ये तो गुंडा है गुंडा। डर मत लता, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा, तो चींटी के भी पर निकल आए। गुंडा बनी फिरती थी, अब नाम बता। मान लिया, अब तू मेरी शागिर्द बन सकती है। शागिर्द नहीं, उस्ताद। क्या लता, इधर आ। ये तेरे बाल काटने की धमकी देती थी ना, तुझे चोरी करने पर मजबूर करती थी ना, तुझे चाटे मारती थी ना, मार इसे। नहीं मार, वरना मैं तुझे मारूंगी। और मार जोर से, बस कैची निकाल। अरे, बाल काटने की धमकी देती, काट इसके बाल। और जब भी ये तेरे सामने आए तो उसको दिखा देना, ताकि तेरे सामने सर नहीं उठाएगी। ये सब क्या हो रहा है? कॉमन रूम है या कुश्ती का अखाड़ा? देखिए ना मैजन जी, मीना ने मुझे मारा और मेरे बाल काट लिए। मीना, तुमने पद्मा को क्यों मारा? उसी से पूछ लीजिए। जी मैजन जी, मुझे लगता कि चेन का डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने कॉपी करने के लिए चेन ले ली, और मीना ने मुझे छोटा चोरी का इल्जाम लगाया और मारा। झूठी जलील गधी। शरत, अब तुम गाली भी देने लगी हो, और वो भी मेरे सामने। समझ में नहीं आता आगे जाकर तुम्हारा क्या होगा। I am fed up with you. लेकिन मैडम जी, मैं सच में तो सुनना नहीं चाहती। मीना, कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। आ आ आ आ आ आ आ। आप यहाँ? आ, वाह साहब, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा लेके मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, यहाँ भी बैठ सकता हूँ। तशरीफ रखिए। आह, मूंगफली खाइएगा। नहीं शुक्रिया, मैं मतलबी इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। चलो अच्छा हुआ, मुझसे जान पहचान हो के कम से कम ये तो फायदा हुआ आपका। आह मीना, मैं अभी तक तुम्हें समझ न सका कि तुम क्या हो।
इसकी जरूरत भी क्या है, मुझे समझना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। काश तुम्हें दूसरे के एहसास की कदर होती और उन्हें समझने की कोशिश करती। ओ, तो आपके दिल में मेरे लिए कोई भावना पैदा हुई है? कहना तो चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं। कोई जल्दी नहीं है, जब आपको लगे कि मेरी समझ में आएगा तब कहिएगा। नहीं शुक्रिया, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हर बात का मजाक उड़ाती रहती हैं। तो मत कहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आज तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन इस बात को कबूल करने की हिम्मत नहीं है। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन गई है। देखिए साहब, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको क्या अधिकार है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। काश मुझे वो अधिकार होता तो मैं तुम्हें दो चाटे मारता और कहता, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें दिल जैसे चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें दो चाटे मारता। आगे क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर से कहिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर एक बार कहिए। कम सुनती हो क्या? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बेवकूफ लड़की, हर बात का मजाक उड़ाती रहती है। मुझे गलत न समझिए, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है, और आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। दिलीप, ये तुमने क्या किया? मीना, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था मजाक नहीं था, हकीकत थी। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार के काबिल नहीं समझती हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं डॉक्टर, आज तक किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वो मुझे नहीं मिला। जीवन भर मैं दुखी रहती आई हूँ, सुख क्या है वो मैंने कभी नहीं जाना। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं। मत रो मीना, मत रो। तुम्हारे जीवन से दुख के काले बादल हट रहे हैं और सुख की पहली किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो देखो मीना, हवा थम गई है, फूल खिलने से रुक गए, मेरी जिंदगी का ये वक्त भी रुक गया है। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए। मैं कम इन मैडम। यस कम इन। मीना, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत है। इन्हें यहां देखकर ही मैं समझ गई, शिकायत और पनिशमेंट के सिवाय और कर भी क्या सकते। जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। क्या ये सच है कि तुम हॉस्टल से भागकर उस डॉक्टर से वक्त बेवक्त मिलने जाती हो? गलत, वक्त बेवक्त नहीं, छुट्टी में जाती हूँ। इसका मतलब है तुम उससे मिलने जाती हो। क्या ये भी सच है कि तुम उससे इश्क और मोहब्बत करती हो? सच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम करना पाप है? एग्नोशियस, जानती हो तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, प्रेम की बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच बोलने में शर्म कैसी? स्टूपिड गर्ल, जानती हो इस गलती की सजा क्या है? तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर प्रेम करना आप गुनाह समझती है तो जरूर मुझे सजा दीजिए, स्कूल ने मुझे और दिया ही क्या है। जब मैं 3-4 साल की दूध पीती बच्ची थी तब मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया। होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं, स्कूल के 4 दीवारों में बंद हूँ। रात दिन मैं रोती रही लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे। हमदर्दी के बजाय यहाँ मुझे मिली पनिशमेंट, डांट डपट और मार। मैं अपने आंसू खुद ही पोंछती रही। यहाँ की सब लड़कियों को खत आते हैं, उनके माँ बाप उनको मिलने आते हैं, छुट्टियों में वो अपने अपने घर जाती है, मैं ही एक अभागन हूँ। मैंने न कभी कोई खत पाया है, न कभी कोई मुझे मिलने आया। छुट्टियों में भी मैं अपने घर नहीं गई, इसी हॉस्टल में घुटती रही, तड़पती रही। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई, पिता ने सिर्फ पैसा भेजना ही अपना फर्ज समझा। लेकिन मैडम, बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं होती, उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है। मैं कभी फेल नहीं हुई, लेकिन किसने माँ की ममता से मुझे गले लगाया, किसने पिता के अभिमान से मेरी पीठ थपथपाई? जिस प्यार के लिए मैं तरसती रही वो प्यार आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। मुझे महसूस होने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। खुदकशी करने का ख्याल भी मुझे सताता रहा, मगर हिम्मत न बढ़ी। दिलीप मेरी जिंदगी में आया, जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वो प्यार उसने मुझे दिया। मेरी सूनी जिंदगी में वो बहार बन के आया। अगर मैंने उसे अपना समझा तो कौन सी गलती की?
अगर आप मेरे सच्चे प्रेम को गुनाह समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं एक आवारा बच्चलन लड़की हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं, हमें, क्योंकि हम अपना फर्ज पूरा न कर सके। मुझे इतनी बैतें मारो कि मैं जिंदगी भर अपनी नाकामी को न भूल सकूं। नहीं, ऐसी सजा मुझे मत दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। मत रो बेटी, मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से कुछ कहना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम कोई पाप नहीं, लेकिन ये उम्र नादान है और तुम इतनी ना समझ हो। जवानी की गलती ही प्रेम को पाप बना देती है। हमने कोई पाप नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए। ठीक है मीना, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, सब्र ही प्रेम की कसौटी है। सब्र करना सीखो मेरी बेटी, तभी उसकी असलियत जान सकोगी। अब तुम जा सकती हो। तो आपने उसे माफ कर दिया, मुझे भी बिना से हमदर्दी है, लेकिन स्कूल का डिसिप्लिन कायम रखना हमारा पहला फर्ज है। मिस रॉय, डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं, प्यार से कायम किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि हमारे स्कूल की लड़की आजाद है, वो किसी से भी इश्क कर सकती है। मिस रॉय, अजीब बात है, कोई प्यार के लिए तरसता है और कोई प्यार को नफरत समझता है। आप चाहती हैं कि मैं मीना को रेस्टिकेट कर दूं, लेकिन ये आपकी ईगो और स्कूल के डिसिप्लिन का नहीं, एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर खराब हो और उसका होने वाला पति उसको शक की नजर से देखे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसे माफ कर दें। ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसे पनिश करूंगी, आज से वो दूसरी लड़कियों से अलग रहेगी। मैं अभी उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, वो आज से आपके साथ आपके कमरे में रहेगी। लेकिन मैडम, मैम, गुड डे, कोशिश कीजिए। क्या चाहते हो? मुझे मीना से मिलना है। तुम उसे नहीं मिल सकते, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आज वो रस्टिकेट कर दी जाती। क्या उसे रस्टिकेट नहीं किया? क्या तुम यही चाहते हो? हम जानते हैं इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार नौजवान लड़कियों का पीछा करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरी वजह से मीना को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो फिर आइंदा उसे मिलने की कोशिश न करना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और न तुम्हारी कोई चिट्ठी उसे मिलेगी। लेकिन सुनिए दरबान जी, मैम साहब, अगर ये साहब फिर तशरीफ लाएं तो इन्हें अंदर न आने देना। साहब जा। चुप। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। वहां खड़ी क्या कर रही हो? लो एक कली, सोच रही हूँ कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे पाला पड़ा, मेरे साथ रहना पड़ा, यही ना? ये भला मैं कैसे कह सकूं? बकवास मत करो, चलो पढ़ाई करो। पढ़ने का मूड नहीं है। मूड? पढ़ोगी नहीं तो किसी के यहाँ बर्तन मांगने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपके यहाँ नहीं आऊंगी। तुम एक सिद्धि और सर फिरी लड़की हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हें एक नेक और शरीफ लड़की बनाना चाहते हैं। क्या कहने, वाकई आप मेरी भलाई चाहती हैं, इसीलिए आपने मेरी खुशी मिटा दी, मेरी जिंदगी दुभर कर दी। काश आप भी किसी से मोहब्बत करती और इसी तरह वो आपसे छीन ली जाती। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा डैडी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाते। डैडी है तो मेरे हैं, आपका उनसे क्या वास्ता? बदतमीज कहीं की। तमीज से बात कीजिए, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं, रूममेट हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। कोशिश कीजिए मिस रॉय,
और देखिए वो बत्ती बुझा दीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैट्रन जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं मीना, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने इन आंसू को आज देखा है, लेकिन यही आंसू मेरी अधूरी और नफरत भरी जिंदगी के साथ ही है। मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा भी कहीं कोई अपना नहीं। आप अकेली क्यों रहती हैं? क्यों दुनिया को नफरत की नजर से देखती हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? मजबूरी। तुमने कहा था ना, मैं भी किसी से मोहब्बत करती और वो मोहब्बत मुझसे छीन ली जाती। तो आपने भी किसी से मोहब्बत की, किसने वो आपसे छीन ली? भगवान ने, जिसे दुनिया वाले दयालु समझते हैं, उसी ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया। अब सिर्फ एक याद बाकी है। मीना, तुम जिस मैट्रन को देख रही हो, वो इंसान नहीं, एक इंसान की जिंदा लाश है। अब तो मौत ही मेरे दर्द भरी कहानी को खत्म कर सकती है, इसलिए मुझे दुनिया से नफरत हो गई। मेरी दुश्मनी इंसान से नहीं, भगवान से है, जिसने मुझे मरने नहीं दिया। लेकिन इसमें भगवान का क्या दोष है, अगर उस मक्कार ने आपको धोखा दिया? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे, हम जीवन में एक दूसरे के साथ ही बनना चाहते थे, यहाँ तक कि शादी की तारीख भी पक्की हो गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत बीमार हो गई, मुझे सैनिटोरियम में दाखिल होना पड़ा। वहां वो हमेशा मेरे पास रहते थे, मुझे हिम्मत दिलाते थे, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। डॉक्टर भी नाउम्मीद होने लगे, और एक दिन पता चला कि मुझे टीबी हो गई है, टीबी का आखिरी स्टेज। डॉक्टर, एक बात बताइए, क्या ये बीमारी एक से दूसरे को भी हो सकती है? हो सकती है, अगर कोई मरीज के साथ ज्यादा संपर्क में रहे तो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने? मैं ये नहीं होने दूंगी, मेरी बीमारी उन्हें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, आज तक मैं अपने आप को धोखा देती रही, लेकिन अब मैं सच बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन आपकी शादी होने वाली है। शादी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जहाँ प्रेम नहीं होता, वहां शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहती। जब मैंने पहली बार आपको देखा, तब से मैं आपकी हो चुकी थी। कौन? आपके होने वाले पति थे, उन्हें गलत फहमी होगी, मैं उन्हें अभी बुला। नहीं, नहीं डॉक्टर, अब उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। और मैं अच्छी हो गई, लेकिन मैं उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उनके चरण मुझसे दूर चले गए। तब से मैं इसी आग में चल रही हूँ और चलती रहूंगी। नहीं मैट्रन जी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपको गलत समझा। आज मुझे पता चला आपके दिल में कितना दर्द है, आपने कितना बड़ा त्याग किया, मुझे माफ कर दीजिए। रो मत, रो मत। डॉक्टर, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा,
मैं जानता हूं कि अब मेरा आखिरी वक्त है। मेरे शरीर को और दुख मत दो, मुझे शांति से मरने दो। राम नाम सत्य है। दैद, दैद, आप हम लोगों को छोड़ के मत जाइए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, दिलीप नहीं आया। मैंने टेलीग्राम दिया डैड, वो भी मेरे आखिरी वक्त पर आके मिल लेता तो अच्छा ही था ना। नो, मानो। राम मम्मी, मम्मी डोंट कम, मम्मी मम्मी कम कम मम्मी प्लीज कम हियर मम्मी। डैडी, मेरा डैडी तो मरने वाला है मम्मी, लेकिन मम्मी लंदन में ऐसे मौके पर नहीं रोते। मम्मी ऐसे मौके पर नहीं रोते, मरने वाले की आत्मा को तकलीफ होती है। मम्मी हम लोगों को इनके मरने से पहले कपड़े बदलने हैं, ड्रेस चेंज करना पड़ता है फॉर दिस ओकेजन। हाँ मम्मी, आपको काली साड़ी और काला ब्लाउज, मेरे को काला सूट और काला बूट बनना पड़ता है। काले कपड़े पहनने से इनका भूत नहीं बनेगा मम्मी। मम्मी मम्मी डैडी की अर्थी, मम्मी डैडी की अर्थी इंडियन स्टाइल में उठाएंगे या इंग्लिश स्टाइल में? तो खर्चा थोड़ा भारी पड़ेगा। नेवर माइंड माइंड माइंड। चलो मम्मी, डैडी के मरने से पहले हम लोग चलते कॉस्ट्यूम बदल ले। मम्मी ठेकेदार साहब, आपको कुछ नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, वो तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, मेरे जीते जी इन लोगों ने मेरा बोलो राम कर दिया है। देखिए, जो मैं आपसे कहता हूँ आप वही कीजिए। सरिया, अब आप मेरी मृत्यु की घोषणा कर दीजिए। हमारे पास माइकिस है। आई एम सॉरी, मैं कुछ ना कर सकता। Our father is off. Our name, you are. Yes, yes, your father is off. Kya? Brother, we have become your team. Yes. Pitaji. Mummy. Pitaji. Pitaji. पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी आप हमें अकेला छोड़कर। तू आ गया बेटे, अरे तू आ गया, शुक्र है भगवान का। पिताजी शुक्र है भगवान का। बेटा नहीं तो ये मुझे जिंदा जला देते। डैडी आप जिंदा है, मम्मी आप अभी तक सुहागन है। मम्मी हम तो समझा आपका हनी भूत बन गया। देख ले जा, ठीक है। सुनो, तुम जाओ और दोनों अपने वस्त्र बदल कर आओ। मम्मी चलो आओ चेंज करते। बेटा भगवान के लिए मुझे इस अंग्रेजी सर्कस से बचाओ। इनको तो भगवान ही संभाल सकते हैं। तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये वस्तुएं हमारे बस की नहीं है। झाड़ के नीचे आ गए। बापू, डाल गया। अच्छा। बापू, 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 बापू। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे एक्सीडेंटों में मजदूर का इलाज कौन करता है? भगवान, काम करना और काम करते करते मर जाना, यही इन मजदूरों का जीवन है डॉक्टर बाबू।
ये मुन्ना बैग लेकर क्यों नहीं आया? पुतली तू जाकर बैग ले आ। हजूरत को चोट लगी इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा काम बंद हो जाए। जाओ तो काम। उठो जमान। उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी ये जुरत। जानते हम कौन है? शैतान। शैतान? जी हाँ, गरीब मजदूरों पे हंटर चलाने वाला शैतान के सिवा और हो ही क्या सकता है? ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारा हुक्म चलता है। निकल जाओ। मैं डॉक्टर हूँ, इसका इलाज करना मेरा फर्ज है। जब तक मरीज ठीक नहीं होगा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हम तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल सकते हैं। भगवान से डरो चौधरी साहब, गरीब को इतना मत झुकाओ कि वो झुककर ऐसा उठे कि तुम्हारी गर्दन पकड़ ले। गर्दन पकड़ ले? इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे तरफ आग बिठा कर देख सके। और जानते हैं कि हम उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप गलत फहमी में है चौधरी साहब, ये लोग चमड़ी उधेड़ने से नहीं डरते, ये डरते हैं रोजी के लिए, पेट के लिए। ये रोजी इंसान को लाचार बना देती है। मालूम होता है इस इलाके में नए आए हो, दोबारा यहाँ की हिम्मत ना करना, समझे? चौकीदार। जी हजूर। चुपन कर ले जाए यहाँ से। और तुम लोग क्या कर रहे हो, काम करो। बेटा दिलीप, I was thoughting. Thoughting नहीं माँ, thinking. अगर अंग्रेजी नहीं आती तो सीख क्यों नहीं लेती आप? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ मेडिकल का बड़ा स्कोप है। नहीं माँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगा, मैं यही डॉक्टरी करूँगा। अरे शाबाश, तुम यही रहो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दूंगा। हॉस्पिटल बनाकर क्या होगा, इस देश में डॉक्टरों की कोई कदर नहीं। इंग्लैंड में बहुत पैसा मिलेगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यही डॉक्टरी करूँगा। हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। जंगल में काम करने वाले मजदूरों को दवा दारू भी नहीं मिलती, उनके मालिक उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो बेचारे बिना इलाज के मर जाते हैं। इन जंगली लोगों में डॉक्टर ही करेगा, नेटिव बनेगा, हॉरिबल। पिताजी अगर आप इजाजत दें तो मैं इन गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, गरीबों की सेवा जरूर करो। लीडर बनेंगे बाप बेटे, लीडर बनेंगे। वाह बेटा, यहाँ से जाना नहीं है, तुम गरीबों की सेवा करो, पैसा मैं लगाऊंगा। थैंक यू पिताजी। लोए कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारे लाई। लोए कली मुस्काई, मुस्काई मुस्काई। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। सब लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई, सिर्फ मैं ही अकेली यहाँ रह गई हूँ। दिल छोटा ना करो मीना, तुम्हारे पिताजी का खत जरूर आएगा और फिर तुम अपने घर चली जाओगी। तुम्हारे प्यार ने मुझे सुकून दिया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं भी यहाँ अकेली रह जाऊंगी। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, हम दोनों एक साथ रहेंगे। नहीं मीना, अब तुम्हें कॉलेज जाना होगा, फिर तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी में भी बाहर आएगी। लेकिन एक वादा करो मीना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझे मिलती रहोगी। चलो, सर्दी बहुत है। कहाँ है वो चिट्ठी जिसमें मुझे कश्मीर जाने को कहा है? मालिक ने कहा है मीना जी को छुट्टियों में कश्मीर भेज दिया जाए। उनका यहां आना मालिक को पसंद नहीं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो खत लिख दीजिए, पैसे भेज दिए जाएंगे। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम्हें भी इजाजत मिल गई, अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मैं कश्मीर नहीं चलूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी और अपने पिताजी से पूछूंगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। मीना, मेरी बात मानो और घर जाने की जिद छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें वहां नहीं बुलाया, उसकी भी कोई वजह होगी। नहीं मैट्रन जी, मुझे मत रोकिए, मुमकिन है मेरा ये घर जाना पहला और आखिरी हो। मैं जाऊंगी बेटन जी,
राम राम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जुम्मन बच्चा किधर रहता? यहीं रहता है, वो बीमार है। हमको मालूम, हमको परमेश्वर बोला। तुम्हारा नाम? कालिया पहलवान। पहलवान, मेरा सामान पकड़ो, हटो, चलो। जुम्मन बच्चा, हेलो जुम्मन बच्चा, कैसा है तुम? हम ये जंगल का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर फ्रॉड। लेकिन डॉक्टर तो वो दिलीप बाबू है, आप? वो तो हमारा कंपाउंडर है, वो मेरा कंपाउंड में रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो भी डॉक्टर चीटर बन जाएगा तुम्हारे। क्या हुआ डॉक्टर? बहुत दुखता है। दुखता है, कोई बात नहीं, मैं तुमको तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा। मैं तुम्हारा बेटे को तपास कराएंगे। तुम इनका बेटा है? नहीं डॉक्टर, मैं इसके साथ मेरा शादी होने वाला है। आई सी, तो तुम जुम्मन के बेटी के मन के झुमरू तलैया। हंसता क्या है, तुम बाहर जाओ, डब्बा इधर रखो। चलो मिस्टर जुम्मन, तुमको तुम्हारा बेटी कोई बेटा, तुम्हारा औरत कोई बेटा नहीं दिया? नहीं डॉक्टर, बस एक बेटी दिया है। अरे बेटी बेटी, डॉक्टर को प्रणाम कर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा पाँव मत छू, पाँव तो भगवान का छूता है। तुम मेरा सीने से लग जाओ, मैं तुमको प्यार करेंगे। अरे डॉक्टर साहब क्या करता है? हम इसको तपासता है। ये क्या कर रहे हैं? अरे बीमार तो हम है, तुम उसे कहां तपासता है डॉक्टर? तुम नहीं जानता बाबा, ये आजकल नया ढंग का इलाज चला है। जिस तरह माँ बाप मर जाने के बाद में उसका जायदाद बच्चा लोग को मिलता है, उसी तरह आजकल माँ बाप जब बीमार हो जाता है तो उसका बीमारी का पता हम लोग बच्चा लोग को तपास करके निकालता है। अच्छा अच्छा, बेटी जाओ तपास कराओ। बेबी इधर कोई दूसरा पलंग है? वो क्या है? वो आई सी। चलो उधर चलो, हम तो पास करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेबी इस पर तुम लेट जाओ। नहीं लेट जाओ, डरो नहीं, लेट जाओ। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड बेबी। अब तुम्हारा नारा दिखाओ। क्या? आई मीन नारी दिखाओ, नारी। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलाई। कोई बात नहीं, अब थोड़ा जुबान निकालो। नहीं नहीं, चश्मा से कुछ नहीं दिखता, थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा। बापू देखो ना ये दाढ़ील क्या कर रहा है। बाप क्या करता है? तुम इधर मत देखो, तुम मुंडे उधर करो, नहीं तो तुमको तकलीफ होगा। मुंडे उधर करो, वेरी गुड। बेबी जबान निकालो, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल जबान। अब हम तुम्हारा दिल का धड़कन सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। अरे रे, ये क्या कर रहा? मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। गुटुरु तू। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर चुप क्यों हो गए? तुम इधर क्यों देखा फिर से? मैं दिल का धड़कन सुनता। अच्छा। तुम कान भी बंद करो, उधर करो मुंह। अच्छा, उधर मुंह करो, मेरे को तपास करने दो। पुतली मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, देखना मैं तेरे गम में कितना मोटा हो गया। अरे हाँ एक बात याद आई, मैंने भैया से बात की, तू तेरे बुड्ढे के लिए बिल्कुल नहीं डरना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ चल मेरे साथ। लेकिन यहाँ से छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं तो चले चलता हूँ, अब तू मेरी चालाकी देख, मैं कालिया को भी उल्लू बना के यहीं बिठा देता हूँ। तो कितनी अच्छी है सच। डॉक्टर उंगली निकाल लो कान में से। ओ यस, तुम निकाल दो, मेरा तपास खत्म हो गया। बेबी कम कम, हम तुम्हारा इलाज का बंदोबस्त किया, तुम जंगल में जाओ, ताजा हवा खाओ, तुम्हारा जंगल में मंगल होएगा। डॉक्टर साहब मैं उठ नहीं सकता, बाहर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटी जाएगा। अरे डॉक्टर साहब बीमार मैं हूँ और मेरी बेटी हवा खाएगी, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आता। हम तुमको कितना बार बोला, ये इलाज का नया तरीका है। चुंदन काका, दिलीप डॉक्टर आ रहा है। दिलीप डॉक्टर? हम दिलीप डॉक्टर आया। हाँ। वो कंपाउंड। बेबी तुम जाओ, जाके जंगल के अंदर ताजा हवा खाओ। बापू मैं, हम तुमको बोला ना, हम तुम्हारा बापू का बापू है, तुम जाओ जंगल। गॉड ब्लेस यू। खालिया जी साहब, तुम दो बाटली बेवड़ा लाओ। अच्छा, और इसको पिलाओ। अच्छा, और एक आने का लाल मिर्ची लाकर इसका आंख में 5-5 मिनट में डालो। बहुत अच्छा साहब। अगर भूख लगता, भूख लगता तो इसको अदरक का पानी में डांबर मिला के खिलाओ। बहुत अच्छा साहब। गॉड ब्लेस यू। कहाँ है मेरी मीना? मीना मेरी बेटी, क्या सचमुच तुम मीना हो? नहीं नहीं। हाँ मैं ही मीना हूँ, नैनीताल से आई हूँ। सच? मेरी बेटी, अरे तू कितनी बड़ी हो गई है। ठहर ठहर, मुझे
मुझे जी भर के देख लेते। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? नहीं पहचाना अपने राम रतन चाचा को? राम रतन चाचा, मेरे डैडी कहाँ हैं? मुझे ले चलो ना उनके पास, अब तो वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ले चलो ना मुझे उनके पास। नहीं नहीं, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अपनी बेटी से भी नहीं मिलेंगे? बरसों बाद मैं घर आई हूँ, उन्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। मैं जानता हूँ बेटी, पर मेरी बात मान ले, तू सफर से आई है, थक गई होगी, हैं? चल मैं तुझे कमरा दिखा दूँ, तुझे गुसल के लिए गरम पानी लाता हूँ, फिर तुझे गरम गरम खाना खिलाता हूँ, फिर कल सुबह मालिक से मिल लेना। चल 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 चल। डैडी मैं आ गई। डैडी, डैडी मैं हूँ मीना, आपकी बेटी। डैडी आप बोलते क्यों नहीं? डैडी आप ऐसे क्यों सोए हैं? डैडी आराम से सो जाइए। ना मुझे, मैं हूं मीना आपकी बेटी, नैनीताल से आई हूं। जीती रहो। मगर तुम यहां क्यों आई? मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, वहां की पढ़ाई भी खत्म हो गई, तो फिर मैं वहां रहकर क्या करती? लेकिन लेकिन हमने तुम्हें कश्मीर जाने के लिए लिखवाया था, रुपए भी भिजवा दिए थे, तुम वहां गई क्यों? मुझे कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं, अपने घर आना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम आज ही वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्यों डैडी, आप मुझे हमेशा अपने से दूर क्यों रखते हैं, पास क्यों नहीं आने देते?
क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है और इसीलिए हमने तुम्हें हॉस्टल में रखा था। मैं समझी नहीं। तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं। डैडी, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिर भी तुम यहाँ नहीं रह सकती। डैडी, ये ख्याल है, कोई हमारी बात ना माने ये हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन डैडी, हमें जो कहना था तुमसे कह चुके, जितने रुपए चाहिए राम रतन से ले लो और आज ही चले जाओ। ये क्या कर रही हो? मुझे घर से निकाल दिया, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कान खोल कर सुनो बेटी, ना तुम रो सकती हो ना इस घर से जा सकती। घर के मालिक ने मुझे यहाँ से निकाल दिया, फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? इस घर का नौकर। चाचा, अब मुझे मत रोको। 15 साल बाद घर आए हुए लड़की को जो पिता गले से नहीं लगाते, जो उसको घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं, वो अब मेरे पिता नहीं रहे। चाचा, आज मैं सचमुच अनाथ होगी। नहीं नहीं, मालिक को तुमने गलत समझा है, वो बुरे आदमी नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की हालत जानता हूँ और मालिक को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ बेटी तुम मत जाओ। चाचा। बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाद उन्हें तुम ही संभाल सकती हो। चाचा, यहाँ रोक कर क्यों मुझे और जलील करवाना चाहते हो? मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी कसम, तुमने मुझसे हमदर्दी जताई, अब जाते वक्त तुम्हारा ही आशीर्वाद चाहती हूँ। बेटी, नहीं मानती तो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, लो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अपने मालिक से जाके कह दो कि उनका रुपया मेरे लिए जहर है, उसमें प्यार नहीं, फर्ज की बदबू है। इसमें फर्ज की बदबू नहीं, ममता की खुशबू है बिटिया। 15 साल से इसे मैंने संभाल के रखा था। लो, पढ़ो इसे, पढ़ो। मेरी लाडली मीना, बहुत बहुत प्यार। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, वो चाहे तुमसे नफरत करे, बुरा बर्ताव करे, तुम उन्हें नफरत से नहीं, प्यार से देखना। अगर तुम उन्हें सुधार सकी तो मेरी तड़पती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, तुम्हारी माँ। माँ, चाचा, हाँ बेटी, मैंने अपनी कसम तोड़ दी। चाचा, मैं यहीं रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी यहाँ। सच बिटिया, मेरी अच्छी बिटिया, मेरी अच्छी बिटिया। बगैर सोडे के विस्की रख दी, ये हो क्या गया तुम्हें आज? पहली बार ये गलती किस लिए, माफ करता हूं आइंदा। तुम्हें हमने चले जाने के लिए कहा था, तुम गई क्यों नहीं? जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे लिए कहीं भी जगह नहीं। कहीं भी जाओ, शिमला, मसूरी, कश्मीर, लेकिन यहां से जाओ इसी बात। मैं मजबूर हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। निकल जा। अरे, मौर खाती और भगती। डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश? क्योंकि आपने मुझे मारा, और मारने का हक सिर्फ उसी को होता है जो प्यार करता है। नॉनसेंस, हम किसी से प्यार नहीं करते। तुम एक लड़की हो, वरना वरना क्या डैडी, मुझे जान से मार डालते। अगर इससे ही आपको खुशी होगी तो जरूर मार डालिए।
लड़के तुम यहां से चली जाओ तो अच्छा है। क्यों डैडी? क्योंकि हम इंसान नहीं, यहां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम यहां अकेले रहना चाहते हैं, यहां हम किसी का दखल नहीं चाहते। जितने रुपए चाहो राम रतन से ले लो और चले जाओ यहां से। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं यही रहूंगी। यहां रहने का मुझे पूरा अधिकार है। भागो मत, ये हमारा घर है, इस घर में हमारा हुक्म चलता है। किसने तुम्हें यहां रहने का अधिकार दिया? आपने। इस घर में मेरा जन्म हुआ है, ये मेरे पिता का घर है, आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। अच्छी बात है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो क्या डैडी? तो तुम यहां रह सकती हो, मगर अपना चेहरा हमें कभी नहीं दिखाना, इस कमरे में कभी ना आना। थैंक यू डैडी, आज आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। नॉनसेंस, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए, हमारा कोई नहीं इस दुनिया में, हमारा कोई नहीं। ऐसा मत कहिए डैडी, मैं हूं आपकी। मैं क्यों तंग कर रही हूं हमें, जब हमने तुम्हें यहां रहने के लिए कह दिया, जाओ यहां से। जी डैडी, अगर सोडा खत्म हो जाए तो मुझे आवाज दीजिए। राम रतन से कहो, उसको मैंने छुट्टी दे दी है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रुक जाइए, ये कोहरा बड़ा खतरनाक होता है, वहीं रुक जाइए। मीना, 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 दिलीप, मीना, वैसे खड़े रहो, मुझे तुम्हें जी भर के देख लेने दो। आज मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई, मुझे मेरा दिलीप मिल गया। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि खुशी से मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे अपने बाहों में ले लो। मत रो मीना, मत रो, बैठो बैठो। जो कोहरा हमारे बीच आ गया था, आज वो हट गया है मीना। मत रो मीना, मत रो, ये वक्त रोने का नहीं, ये वक्त हमारी खुशी का है, हमारे मिलन का। दिलीप, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अपनी मीना का जरा भी ख्याल नहीं किया। जब मुझे पता चला कि तुम नैनीताल छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, तो मुझे यकीन हो गया कि सुख और प्यार मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं वो अभागन हूँ जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता। ऐसा मत सोचो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। जब मुझे पता चला कि तुम्हें रस्टिकेट करने वाले हैं, तो मैं तुमसे मिलने हॉस्टल चला आया, लेकिन तुम्हारे मेट्रन ने मुझे निकाल दिया। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मीना। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन मेरी खोई हुई जिंदगी जरूर वापस आ जाएगी। आज तुम मुझे मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया मीना, सब कुछ मीना। अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि हर लड़की का यही अरमान होता है कि उसका अपना घर हो। वो घर है तो तुम्हारा? वो घर मेरा नहीं, डैडी का है। मुझे तो एक ऐसा छोटा सा घर चाहिए जहाँ तुम हो, मैं हूँ और 8 बच्चे। ओह नो। ओह यस। तुम तो फिल्म की हीरोइनों की तरह बातें कर रही हो, जो शादी से पहले ही कहने लगती है कि मुझे 8 बच्चे चाहिए, मुझे 10 बच्चे चाहिए। उन्हों, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? अच्छे खासे डॉक्टर हो, क्या कमी है हमारे पास? हमारे पास कमी ना सही, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम देश की आबादी ना बढ़ाएं। जानती नहीं हो हमारे देश में अनाज की कितनी कमी है। तो फिर अनाज की पैदावार बढ़ाओ, बच्चों की क्यों कम करते हो? अनाज की, लेकिन बच्चे भी नहीं बढ़ सकते। 8 नहीं, सिर्फ 2, एक लड़का एक लड़की। नहीं, 4 लड़के और 4 लड़कियां। देखो मीना, मुझे नाराज मत करना, इस बात का समझौता नहीं हो सकता। सिर्फ 3। छह
ठीक है, शादी के बाद देख लूंगी। लेकिन अब तो चलो, बहुत देर हो रही है, मेजर जी राह देखती होंगी। उनको अकेले रहने दीजिए, आप मेरे पास बैठिए। हमारा अभी तक जी नहीं भरा। अच्छा, तो फिर गाइए ना कि दिल अभी भरा नहीं। की हिम्मत कैसे की? हमारे सवाल का जवाब दो, तुमने इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका घर है। तो फिर किसका घर समझ के तुम यहाँ चली आई? मुझे मीना ने यहाँ आने के लिए लिखा था। मीना से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं उसकी हॉस्टल की मैट्रन हूँ। आई सी, ये बात हमें मालूम नहीं थी, वरना तुम्हारी जैसी दलील औरत का साया भी हम उस पर नहीं पड़ने देते। परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुमसे यह ना पूछेंगे कि तुमने हमारे साथ बेवफाई या हमें बर्बाद करने की कोशिश क्यों की। तुम अकेली आई हो या वो डॉक्टर भी साथ आया है? अकेली आई हूं, अकेली हूं क्योंकि क्योंकि तुम्हें धोखा देने की आदत हो गई है। जी नहीं, अचानक आपके मिल जाने से मैं अपने होश आवाज खो गई थी। मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। हम तुम्हें एक मिनट का वक्त देते, निकल जाए यहाँ से। पहले मेरी बात तो सुनिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप मुझे मेरे बारे में गलत फहमी गलत फहमी नहीं, हकीकत है। आपने ठीक किया, दोष मेरा ही है, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो जी चाहे कीजिए। जो सुनना था सुन चुके, देख भी चुके, बेहतर है मैं ज्यादा तैश नहीं दिला। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ बेवफा औरत। मत छू हमारे पैर, वरना जो हमें उस दिन करना चाहिए था वो आज कर बैठेंगे। रामरतन, इस औरत को इसी वक्त धक्के देकर बाहर निकाल दो। यकायत क्यों चली गई मैट्रन जी? क्योंकि हमने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? हमसे बगैर पूछे तुमने उसे क्यों बुलाया था? मैंने सोचा कि शायद इस घर में मेरा भी अधिकार है। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो एक बदचलन औरत है। नहीं डैडी, वो ऐसी नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो एक दुखी औरत है। जिंदगी जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से मुझे जानते हैं। क्या जानते हैं डैडी? यही कि उसने वो बात तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, ना हम तुमसे कह सकते हैं। नहीं डैडी, ये गलत है, आपको नहीं मालूम, मेट्रिन जी ने मुझे कहा था कि। क्या बात है चौकीदार? हुजूर, मजदूरों ने जंगल में काम बंद कर दिया है, कहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम काम को हाथ नहीं लगाएंगे। ये बंदूक हमने तुम्हें किस लिए दे रखी है? लेकिन हुजूर, ये सारी बदमाशी ठेकेदार साहब के उस डॉक्टर लड़के की है, उसी ने हमारे मजदूरों को भड़काया है। उसे गोली छोड़ा दो और उसकी लाश जमीन में गाड़ दो। दिलावर से कहो कि हाथियों को शराब पिलाकर उन मजदूरों पर छोड़ दें, वो नहीं जानते वो किससे टक्कर ले रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। आज हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और मालिक के जुल्म का मुकाबला सिर्फ काम बंद करने से ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। मालिक हमें तबाह करने की कोशिश जरूर करेगा, अगर हम शांति से मुकाबला कर सके तो जीत हमारी होगी। दिलीप, दिलीप तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, प्लीज यहाँ से चले जाओ दिलीप। नहीं मीना, अब तो इन लोगों के साथ मैं और मेरे साथ इन लोग। तो इन लोगों को भी यहाँ से चले जाने को कहो, डैडी ने हाथियों को शराब पिलाकर इन लोगों की बस्ती को बर्बाद करने का हुक्म दिया है। ठीक है, हम हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाएंगे, लेकिन जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। यहाँ से चले जाओ दिलीप, जिद मत करो, प्लीज मेरे लिए यहाँ से चले जाओ। नहीं मीना, नहीं, ना तुम्हें खुद जाऊंगा ना इन लोगों को जाने दूंगा।
अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला है तो ये भी हो जाए। लेकिन मीना तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं दिलीप। जाओ मीना, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ मीना। नहीं दिलीप, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बैठो। हमारे खिलाफ बगावत कर लेते हैं। हुजूर, मीना जी मजदूरों के बीच में खड़ी, मीना वो कहते अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो हाथियों को रोक लीजिए, वरना ये सब लोग कुछ ले जाएंगे। हमें उन कमीनों की परवाह नहीं, तुम हट जाओ वहाँ से। तो मुझे भी इन लोगों के साथ मरने दीजिए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। फजूल जिद मत करो, हट जाओ वहाँ से, हट जाओ। नहीं डैडी। जल्दी उठाओ इन्हें। डैडी, दिलीप, डैडी अभी तक होश में क्यों नहीं आए? घबराओ नहीं, वो अच्छे तो हो जाएंगे ना? हाँ मीना, हाँ। दवा और इंजेक्शन असर कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। जुम्मन काका, पुतली की सगाई तो मेरे साथ की है, इसक वो मुन्ना से कर रही है। अरे फिक्र ना कर कालिया, मैंने छोकरी को अंदर बंद कर रखा है, और जरा आने दे उस मुन्ना के बच्चा को। जिस तरह गन्ने की गंडेरी बनती है ना, उसी तरह मुन्ना के बच्चे की बोटी बोटी काट कर ना फेंक दी तो मेरा नाम जुम्मन काका नहीं। हाँ क्या ये शू 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 क्या कर रही हो? आहिस्ता बोल और भाग जा यहाँ से। क्यों? मालूम है उस काली ने बुड्ढे को भड़काया है, इसलिए उसने मुझे अपन कर रखा है। मगर क्यों? और मालूम कुल्हाड़ी तेज कर रहा है। कुल्हाड़ी? अरे लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी नहीं तो क्या उस तरह तेज करेगा? अरे इसलिए तेज कर रहा है ताकि गंदेड़ी की तरह तेरी बूटी बूटी कर दे। तू घबरा मत, मैं उसका कीमा बना दूंगा। पता है कैसे? पूछ। पको। क्योंकि मैं सता। अरे ये सता सता क्या लगा रखा है? सता नहीं मालूम, सती का मरद सता। अब ना मुझे कोई आग काट सकती, ना कोई कुल्हाड़ी जला सकती, ना कोई पानी उड़ा सकता, ना कोई हवा बहा सकती। ये क्या बक रहे हो? सब उल्टा बक रहा हूँ, लेकिन घबरा मत, दो मिनट में सब सीधा कर दूंगा। अब ये बता कालिया कहाँ है? और तेरा बुड्ढा? वही है, अब जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। मेरी गर्दन। कुल्हाड़ी लाती हूँ। कुल्हाड़ी नहीं, वहाँ है ना, ये पकड़। कालिया, इस कुल्हाड़ी की धार देखी है? अरे इससे तो ऐसी पतली पतली गंडेरियां कटेंगी कि मजा आ जाएगा। क्या हो? कौन है? वो आ गया। सरदार, सरदार। तू यहाँ? हाँ सरदार, मैं खुद ही कुर्बानी के बकरे की तरह यहाँ चला आया।
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है सरदार। एक मंगेतर लड़की से प्यार करने, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है सरदार। उठाओ ये कुल्हाड़ी और कर दो मेरे टुकड़े टुकड़े, मैं झुक जाता हूँ तुम मार दो सरदार। तो क्या तू पुतली से प्यार नहीं करता? नहीं नहीं सरदार, मैं पुतली से प्यार नहीं करता। मैंने तो धोखा खाया है, पुतली का प्यार तो काली से होगा। वाह, ब्याह मुझसे और प्यार तुझसे? नहीं रे पगले, दोनों तुझसे। डरो बेटा, डरो बापू। मैं पुतली के प्यार में अपना पुतला नहीं बनवाना चाहता। पुतली का और मेरा क्या मेल? मैं ठहरा एक रईस बाप का बेटा, पढ़ा लिखा नौनिहाल नौजवान, और पुतली, पुतली एक शरीफ पवित्र लकड़े काटने वाली की बेटी, अनपढ़ और गंवार। उसका जोर तो कालिया के साथ होना चाहिए, क्योंकि कालिया है जंगली जानवर और बदतमीज। ए, गाली देता है? बापू, मैंने गाली दी? आ, नहीं बापू, मैंने तो सिर्फ फिल्मों के नाम लिए। अच्छा, बापू, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कालिया का रास्ता साफ कर दूं हमेशा के लिए। मगर मगर वो तो तेरे नाम की माला रखती है। ये गलत है बापू, ये गलत है। इस तरह झोपड़े में बन करके मारोगे तो वो कभी नहीं मानेगी। उसे तो प्यार दीजिए बापू, प्यार। बेटा बेटा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। नहीं बापू, आपने एक काम नहीं किया, वो मुझे करने दीजिए। मैं अंदर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। हमें उल्लू बनाता है? नहीं बापू, बने हुए को बनाने की क्या जरूरत है? मन काका, इसको अंदर जाने दो, शायद इसकी बात मान ले। हम तो दोनों बार बैठे हैं, तूने जरा सी भी को गलती की तो ये कुल्हाड़ी देखी है? देखी है, मुझे गंडेरी के टुकड़े भी याद है। हाँ। तो बापू, मैं लड़की के पास जाऊं? जा जाऊं? जा जाऊं? जा जा जाऊं? जा जाऊं? जा जाऊं? जाऊं? जा, अरे जा भी। जाता हूँ बापू। नहीं नहीं, लड़की तो क्या, अब इस घर का दरवाजा भी छूना मेरे लिए पाप है। भैया कालिए, अपने हाथों से मेरे लिए ये दरवाजा खोल देना। दरवाजा खोलना क्या, कहो तो दरवाजे को तोड़ दूं। तोड़ना नहीं, खोल देना। भैया मगर एक वादा करो, अंदर जाकर मेरी तारीफ करोगे ना? अरे तू खोल तो, मैं सब कुछ करूंगा। खोल दिया भैया, खोल दिया। जाओ जाओ, वादा पूरा करना। पुतली, मुन्ना, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अब तो मैं पर स्त्री को नहीं छू सकता, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये जो कालिया है ना, ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये खुद ब खुद ये दरवाजा बंद कर लेगा, इसी में इसकी भलाई। अभी कर देता हूं। कड़ी भी लगा देना। लगा देता हूं, मगर मेरा कहना याद रखना। हट जा, हट जा, हट परे कू। पुतली पुतली, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, अब तेरी शादी कालिया से ही होगी। मुन्ना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हाँ, ये क्या, ये क्या, तू मुझे पपैया बनाना चाहती? नहीं, तू मुझे पापी बनाना चाहती है। मैं भी तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अरे अरे, कुछ तो अपने बाप का ख्याल कर, एक तो वैसे ही उसका मुंह काला है, तू अपने बाप का मुंह और भी काला करना चाहती है। झुम्मन सरदार बहुत अच्छा बाप है, लेकिन बहुत कमीना ससुरा है। कालिया भी बहुत अच्छा आदमी है, कुत्ता है साला। कितना अच्छा मुन्ना है यार, मेरी तारीफ कर रहा है। कान मेरे नजदीक ला। ची 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 ची, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या कहा? अरे तुझे बेशरम बनना पड़ेगा, आज नहीं तो आगे भी तो यही होने वाला है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। मैं क्या कर रही हूँ? अरे नहीं, अरे हट जा, अरे मुझे मार मत। अरे क्या कर रही है? कालिए, कालिए, कालिए दरवाजा खोल, कालिए दरवाजा खोल, कालिए, 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 खोल, कालिए। बापू, बापू मेरा काम हो गया। जलील, कमीने कहीं के? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो बापू के बदले मैं तेरी गंदेरी बना। पुतली, तुझे जो जी मैं तू कह ले, मुझे कमीना कह, लेकिन मेरी बात मत भूलना। कालिए संभाल ले, निकल जा। पुतली, गुड मॉर्निंग चौधरी साहब। कैसा गुड मॉर्निंग? कैसा गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो अभी तक ठीक थी, लेकिन लेकिन मेरे आते ही खराब हो गई। क्यों? नहीं, तुम्हें देखते हमें याद आ जाती है कि तुम्हारी वजह से हमारी ऐसी हालत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें करना आपके लिए ठीक नहीं। हम तो चुप ही थे, तुम्हें बात शुरू कर दी। आई एम सॉरी। नर्स, इंजेक्शन रेडी। डॉक्टर,
इंजेक्शन इंजेक्शन, सुबह इंजेक्शन शाम को इंजेक्शन, तुम डॉक्टरों के इंजेक्शन से आता ही क्या है जब देखा। कमाल है चौधरी साहब, आप इतने दिलेर और मजबूत आदमी होते हुए भी एक जरा सी सुई के लगते ही बच्चों की तरह चीख पड़े। तुम्हें क्या पता हमें कितना लगता है, जरा अपने हाथ में चुबा के तो देखो। चलिए आज तो एहसास हुआ कि लोगों को भी लगता है। तुम फिर कम्युनिज्म डिस्कस करो। आई एम सॉरी। आप आराम कर लीजिए, ठीक हो जाइए, फिर झगड़ा शुरू करेंगे। क्यों अच्छा, चलता हूँ। सुनो सुनो डॉक्टर, पहले तो हमने तुमसे कहा था कि तुम आदमी खराब हो लेकिन डॉक्टर अच्छे, याद है? जी हाँ। आज हम कह रहे हैं तुम आदमी भी अच्छे डॉक्टर भी अच्छे। जी जा जा जा। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। नर्स लो सरदार, कश लगाओ। ला भाई ला। देखो फिर उल्टी कर रही है पुतली, सारा दिन बकरी की तरह बकर बकर चलती रहती है, उल्टी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। ये वो उल्टी नहीं, ये सीधी उल्टी है। सारी बस्ती में कानाफूसी हो रही है, कानाफूसी। क्या हो रही है? कि जुमा काका की लड़की का पाँव भारी है, पाँव भारी। क्या बकता है? अरे ठीक कहता हूँ, कुंवारी का पाँव भारी। हाँ। मैंने तुझे कई बार समझाया कि शादी के लिए कुछ रुपया जमा कर, मगर तू एक एक पैसा पी जाता है। बुड्ढे भूल जा, मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करूंगा। पेट में पाप किसी और का और गले में मैं बांधू, ये कभी नहीं होगा। कुत्ते कुत्ते क्या बोलता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पुत्री इधर इधर, जो कुछ ये कुत्ता कह रहा है सही है, बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? ची 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 ची, तू कह दे ये सब झूठ है, झूठ है। और ले जूता, ये जूता ले और मार इसके सर में। बापू ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया तो क्या अपने आप हो गया? तो जो कुछ ये कुत्ता कह रहा है ठीक है, ठीक है, बोल कैसे हुआ? कभी नहीं तूने मेरी नाक कटवा दी। बापू मुझसे भूल हो गई, बापू मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? बुढ़ापे में तूने मेरा मुंह काला कर दिया। कमीनी, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कहाँ है मेरी कुल्हाड़ी? क्या कर रहा जुम्मन काका? पुतली को जान से मार डालने से क्या तेरी इज्जत बचेगी? जिसका ये पाप है उसी से इसकी शादी कर दे। बता बता कौन है वो कुत्ता कमीना? बापू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन उसका नाम कभी नहीं बताऊंगी। कलंकनी कमीनी, जितने तेरी इज्जत लूटी है मैं उस कुत्ते का नाम पूछता हूँ, बोल। बापू चाहे तो मेरी कुल्हाड़ी से भी जान ले ले, लेकिन मुन्ना का नाम कभी नहीं बताऊंगी। मुन्ना का नाम कौन गधा पूछ रहा है? मैं उस पापी का नाम पूछ रहा हूँ। मोटी अकल के बुड्ढे, चुप। नाम तो बता दिया है, ठेकेदार का बेटा मुन्ना। मुन्नेदार का बेटा ठेका? मुन्ना चल मेरे साथ, ला मेरी कुल्हाड़ी। ले चल। नहीं अभी आधी सिगरेट बाकी है। डॉक्टर साहब ने कहा है दवा पीना आपके लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब ने कहा होगा लेकिन हम कह रहे हैं हमारे लिए सिगरेट पीना जरूरी है। प्लीज पी लीजिए, हम दवा फेंक देंगे उठा के। नर्स क्या हुआ, दवा नहीं पी रहे? नहीं क्यों नहीं पी रहे आप दवा? बातें मीना, बहुत दिनों के बाद सिगरेट पी रहे हैं। क्या कर रही हो? जंगली लॉयर मेरे बेटे पर गंदा इल्जाम लगाता है। हम लोग रेपुटेशन लोग हैं, इज्जत वाले हैं, इसलिए ब्लैकमेल करके रुपया निकालना चाहते हैं। इज्जत की आड़ लेकर रुपया कमाने का धंधा हम गरीब नहीं करते मेम साहब। इज्जत के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो जान ले भी सकते हैं। यू थ्रेटन मी, धमकी देता है। डार्लिंग पुलिस को बुलवा कर इसे अरेस्ट करवा दो। इसकी जरूरत नहीं मेम साहब, पुलिस के पास मैं खुद जाऊंगा और कहूंगा मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाले मुन्ना को मैंने इस कुल्हाड़ी से मारा है, मुझे पकड़ो। जुम्मन भाई शांति शांति शांति। बेटी तुम मेरी कसम है, सच सच बता, मुन्ना तुमसे प्यार करता है? और तुम उसे अकेले में रोज मिलती हो? जी हाँ बाबूजी, ये सच है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, रोज मिलते हैं, और उन्होंने मुझसे शादी का भी वादा किया था, इसीलिए। ये क्या
इसलिए कह दे कि मैंने अपना मुंह काला करवा लिया, कमीनी। हाँ हाँ जुम्मन भाई, शांति से काम लो, मारपीट से क्या होगा, जो होना था सो हो चुका है, अब तो इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इम्पॉसिबल, ये जंगली नेटिव हमारी बहू, इम्पॉसिबल, ये जानवर मेरे मुन्ना का फादर इन लॉ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ तुम्हें बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करने से तुम्हारी शान धूल में मिल जाएगी। यस, नो डाउट। देखो भाई जुम्मन, ये वो माँ है जो अपनी शान के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर सकती है। तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ और चला दो कुल्हाड़ा मुन्ने पर। वो जंगली मेरे बेटे को मार डालेगा। अरे मारने दो ना, ऐसे बेटे का मर जाना ही अच्छा है जो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखता। नो नो नो, I want my son. तो फिर भी उनकी वो मैं। जो तुम्हारी मर्जी करो बस। देखा जम्मन भाई कैसा चक्कर चलाया है, भले अंग्रेजी ढंग की है मगर आखिर है तो माँ ही ना। और दूसरे जम्मन भाई, बच्चों का प्यार कहीं पाप ना बन जाए ये देखना माँ बाप का फर्ज होता है। तुम जाओ और शादी की तैयारी करो। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब, आपने मेरी इज्जत रख ली। अरे पगली, पाँव पर पाँव पर। जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब। देखो जुम्मन भाई, शादी वाले दिन तुम जरा नहा लेना है। अरे चल। अब इसको झटके मत दिया करो भाई। बेटा जरा पाँव आहिस्ता आहिस्ता रख कर चला करो आजकल। जाओ चल, चल बेटी, चल चल चल। बुलबुल बोल रही है बेटी। मैं हूँ ससुर जी। ससुर जी मुबारकबाद दीजिए मेरी शादी की। आशीर्वाद 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 बेटा आशीर्वाद। चल बेटी चल घर चल चल। ससुर जी आप जाइए, मैं 5 मिनट में लेकर आता हूँ। जल्दी लाना, जल्दी। क्यों, कैसे बनाया दोनों बुब्बों को? अरे मेरा दिल तो धक धक कर रहा था, कहीं सच्ची बात मुंह से ना निकल जाए। तेरा दिल तो धक धक कर रहा था, मेरा दिल धड़ा धड़ा कर रहा था, कहीं मेरा बुड्ढा अगर तेरे बुड्ढे की बात नहीं मानता हा? तो तेरे बुड्ढे की कुल्हाड़ी मेरे गर्दन पे पड़ती और मेरी गर्दन फुटबॉल की तरह सीधा गोल में जाती। मेरा बुड्ढा अच्छा है ना? अरे बुड्ढा तेरा बाप। वही तो मैं कह रहा था पिता। नालायक, तो ये सब तमाशा तुम लोगों के खुद का बना हुआ था। डैडी, डैडी आई एम सॉरी डैडी, मैं मजबूर था। मम्मी जो है ना वो एक अल्लर जिद्दी लड़की की तरह, वो इस बात पर राजी नहीं होती, इसलिए मैंने ये ड्रामा खेला। मैं ये समझा था कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मगर तुम तो बड़े चालाक हो। इट इज द ब्लड दैट काउंट डैडी। अरे ब्लड किसका है, मेरा मेरा है। पकड़ ले, पकड़ ले डैडी के पाँव, पकड़ ले, आशीर्वाद लेना। हाँ, वो तो पकड़ चुकी है, तू पकड़। जीते रहो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। जाओ बेटी, अब तुम जल्दी जल्दी भागती भागती घर जाओ। अरे ये क्या? आपने तो कहा था पकड़ने के लिए। हाँ, आप छोड़ दे, आप छोड़ दे। गुटर गुटर गुटर। डैडी, डैडी अभी तक आप खड़े हैं, बैठ जाइए ना, और कुछ दिन आपको आराम की जरूरत है। किस टुल्लू ने कहा मुझे आराम की जरूरत है? डॉक्टर ने? मैं खूब समझता हूँ, तुम सब मिलकर मुझे बीमार बनाना चाहते हो। कैसी बातें करते हैं आप डैडी, हम सब तो आपकी तंदुरुस्ती ही चाहते हैं। जूस? मुझे नहीं चाहिए जूस, तंग मत करो मुझे, चले जाना। आप जूस पी लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। 2 घंटे के बाद सूप लेकर आऊंगी, सूप पिलाकर मैं फिर चली जाऊंगी। सच डैडी? जूस? जूस? ये काम तुम क्यों कर रही हो? रामनाथन कहाँ मर गया? उसे भेज दो। ताकि आप उसे डांट सके और जूस बाहर फेंक दे। अच्छा, मैं तुम्हें भी डांट सकता हूँ और ये जूस भी बाहर फेंक सकता हूँ। क्यों नहीं, जरूर डांटिए, जूस भी बाहर फेंक दीजिए, जी चाहे तो 2-4 चाटे भी मार दीजिए। लेकिन डैडी इसके लिए भी ताकत की बहुत जरूरत होती है, आप जूस पी लीजिए और फिर आराम से मुझे डांटिए। डैडी जूस? बिल्कुल अपनी दादी की तरह एक ही बात पर रट लगाए रखे। दादी की तरह? यानी आपकी माँ? डैडी मेरी दादी कैसी थी? तुम्हारी तरह जिद्दी, बदमिजाज। समझी क्या क्या? नहीं कि मैं जिद्दी क्यों हूँ? डैडी आप तो बिल्कुल जिद्दी नहीं है। डैडी जूस? अरे लो। आस्ता डैडी,
तसल्ली हो गई ना, जा यहाँ से। जी नैना। जी डैडी। इधर आओ। जी डैडी। थैंक यू माय डियर। अरे अरे रोने का क्या मतलब, थैंक यू बोला इसलिए? आज मुझे आपका प्यार मिला, आपने मुझे गले से लगाया। डैडी आप अच्छे हो। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर अब तक नहीं आया, दो दिन से कोई पता नहीं। आए तो थे, फिर? मुझे मिले थे। तुमसे क्यों मिला था? तुम्हारा इलाज कर रहा है या मेरा? आप सो रहे थे। हाँ तो नींद की दवा देगा तो सोऊंगा, नहीं तो क्या? आने दो, उसको सबक सिखाता हूँ। सबक? हाँ सबक, मैं उसका पैर तोड़ दूंगा। वो बदतमीज है, नालायक है। डैडी क्यों दुनिया को नफरत की नजर से देखते हैं आप? क्यों, क्या दुनिया मुझे नफरत की नजर से नहीं देखती? आप समझते हैं इतनी दुनिया बुरी नहीं है डैडी, प्यार से सब तकलीफें दूर हो जाती है। अरे इतनी सी लड़की मुझे नसीहत देती? नहीं डैडी। सच बताओ लड़का कैसा लगता है तुझे? वो वैसे तो उसमें कोई खास बात नहीं है डैडी। हाँ और ऊंट जैसा लंबा भी है। हाँ। अच्छा हुआ तुझे वो लड़का पसंद नहीं। लेकिन डैडी मैंने कब? अब बात पलटने की जरूरत नहीं है। राम रतन से कह दे कि उस ठेकेदार को यहाँ बुला लाए, मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं डैडी, आप उन्हें क्यों जलील करना चाहते हैं? मैं ही दिलीप से कह दूंगी। हाँ कह देना कि वो अब यहाँ कभी ना आए और मेरी बेटी से चुप चुप कर कभी ना मिले। जी डैडी। और अगर आना ही चाहता है तो पहले अपने बाप से फैसला कर ले और फिर तुझे भी अपने साथ ले जाए। कह दूंगी। ओ डैडी छोड़ दे, बचाओ बचाओ, बापू की बच्ची। मालिक, 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 ये ले। चुकी तो जंगल में कौन घुमा करती है? पहले मेरी बात सुनिए मालिक। जब मालूम है इसकी शादी तय हो चुकी मुन्ना के साथ। गलत बात है मालिक, मालिक चल जा, मेरे साथ कहाँ जा रही है? को जा मालिक, इसका बदला जरूर लूंगा मालिक। गुड मॉर्निंग मीना। मॉर्निंग डैडी। अभी तक आप शेव ही कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाइए ना प्लीज, वो लोग अभी आते ही होंगे। वो तो ठीक है मीना, हम सोच रहे हैं कि लड़की वाले को लड़के वालों से किस तरह बातें करनी चाहिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम... उसमें कौन सी बड़ी बात है डैडी, आपको तो यही कहना चाहिए कि ये आपका सौभाग्य है कि उन जैसे बड़े लोगों के साथ ही रिश्ता हो रहा है। ऐसा कहना चाहिए जी। वो उल्लू का पट्टा ठेकेदार का बच्चा बड़ा आदमी कैसे हो गया? हमसे हुजूर हुजूर करके लकड़ी खरीदता है, मुझे डांटते रहते हैं। लेकिन डैडी वो यहाँ रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो आपको ऐसा ही सोचना होगा। ऐसा? हाँ शायद तो ठीक कहती है, लेकिन अभी हमने कहा ना कि उस ठेकेदार के बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए डर लगता है कहीं ऐसे मौके पर भी डांट न दें। नहीं डैडी, लड़की वालों को बहुत तमीज से बात करनी पड़ती है। ये तो है। याद रखिए वो बड़े लोग हैं, इस रिश्ते के लिए वो मान गए, यही आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या वो बड़े लोग हैं और हमारा सौभाग्य क्या हमारी बेटी को? डैडी ये सब कहना है। हाँ ये सब कहना है, लेकिन याद है कि ये सब तेरे लिए हम कह रहे हैं, वरना दुनिया में हम किसी को अपने से बड़ा नहीं समझते, समझी? थैंक यू डैडी। और सुन, उस ठेकेदार के बच्चों को अगर डैडी उस ठेकेदार साहब को अगर कुछ कह दिया तो हमें पहले से टोक देना ताकि कुछ बुरी बात मुंह से निकल जाए। डैडी मैंने आपके कपड़े रख दिए, क्या भी रखते? हाँ ठेकेदार साहब, आपका हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी बेटी से शादी कह देंगे उस बेटी के लिए। डैडी सब कुछ रख दिया, जल्दी तैयार हो जाइए। हाँ तू भी जल्दी तैयार हो जा, वक्त नहीं है।
चिट्ठी किसकी है? मालती रॉय नैनीताल। प्यारी मीना, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर दिल तड़प उठा और ये भी महसूस होने लगा कि कहीं तुम अपने पिताजी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दो। अगर वो तुम्हारी शादी दिलीप से कर देने से इनकार करते हैं तो तुम दिलीप को लेकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आखिर मेरा भी तो तुम पर कोई हक है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मालती रॉय। मम्मी, वो देखो कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हैं। He's coming without dress. No, mummy, no without dress. Proper dress. नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। नमस्ते। शायद तुम लोगों को नहीं मालूम हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मीना और दिलीप की शादी का रिश्ता मंजूर कर लिया और आज आपने हमें सगाई के लिए बुलाया है। गलत। तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे मामूली ठेकेदार के लड़के के साथ कर देंगे? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। तुम लोग जा सकते हो। डैडी, मुंह से बात आती है, ब्योला पिया ब्योला। शराब, शराब हमने अपने पी है, तुम्हारे बाप की। जानते हैं हमारी बेटी को भड़का कर तुम लोग हमसे बदला लेना चाहते हो। हम ये भी जानते हैं इस साजिश में बेवफा औरत का भी हाथ है। What are you talking? My hand is बेवफा? मम्मी, ये आपको नहीं कह रहे, किसी दूसरी बेवफा को कह रहे। क्यों चौधरी साहब? चौधरी साहब, आप मेरी बात सुनिए। हम बात कुछ नहीं सुनना चाहते। डैडी, लेट मी स्पीक। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, देखिए हम लोग आपसे लकड़ी खरीदते हैं और पैसे भी रोक ले देते हैं, कोई आपसे भीख तो नहीं मांगते, और ये जो कुछ भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये तो हमारी मीना भाभी की वजह से तुम लोगों से शराफत से पेश आ रहे हैं, वरना इस वक्त चाबुक से चमड़ी उधेड़ देते। चौधरी साहब, ये आप नहीं बल्कि शराब बोल रही है। चुप रहो। तुम हमारे मजदूरों को भड़काते हो, उनसे स्ट्राइक करवाते हो, तुम हमसे दुश्मनी करते हो और ये चाहते हो कि हम अपनी बेटी की शादी एक दुश्मन के साथ कर दें। चौधरी साहब, ये अभी बच्चा है, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगा। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है। चौधरी साहब, अगर आपने सिर्फ मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेता, लेकिन जहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। चलिए पिताजी। आइए आइए। मीना, बेटी मीना। मैं तैयार हूँ चाचा, अभी आई। बेटी, गजब हो गया, जल्दी बाहर जाओ, उन्हें रोको। मालिक ने उन लोगों को जलील करके निकाल दिया, रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, बेटी जल्दी जा, दिलीप बाबू को समझाओ, माफी मांगो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं चाचा, अब कोई फायदा नहीं, दिलीप अब मेरी सूरत तक नहीं देखेगा। चाचा, मैं बर्बाद हो गई। कैसे हुआ चाचा? जैसे आज तक होता आया, ये जालिम शराब मालिक का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रो मत बेटी, मेरी बात मान लो और ये घर छोड़कर चली जा। नहीं चाचा, नहीं। बेटी, याद है तुम्हें उस दिन तुम इस घर से जाना चाहती थी, मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। नहीं चाचा, नहीं। मैं अपने सुख के लिए अपने डैडी को नहीं छोड़ सकती, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। ये मेरी माँ की आज्ञा है।
मीना दरवाजा खोलो। रोना धोना किस लिए? हमने जो कुछ किया खूब सोच समझ के किया, लेकिन फिर भी अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन हमसे और हमारे घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। क्या सिर्फ कह देने से पिता पुत्री का नाता टूट जाता है डैडी? और फिर किसी को घर बुलाकर उसका अपमान करना कहां की शराफत है? शराफत हो या जलालत, ये शादी हम कभी नहीं होने देंगे। डैडी आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने, हाँ हमने शराब की, मगर हम नशे में बहके हुए नहीं हैं, बल्कि इस खत को पढ़कर होश में आ गए। मेटन जी का खत? हाँ तुम्हारी मेटन जी का खत। ये औरत होती कौन है तुम्हारी शादी कराने वाली? सलील धोखेबाज, बेटी को बाप के खिलाफ भड़का रही है, बदला लेना चाहती है। बदला? वो भला मुझसे बदला क्यों लेंगी? मैं तो उन्हें बरसों से जानती हूँ और आपने पहली बार मिलने पर ही उन्हें जलील और धोखेबाज कहा। वो एक देवी है। वो देवी नहीं, खूनी है। उसके दामन पर एक निर्दोष इंसान के खून का दाग है। क्या क्या कह रहे हैं? मेट्रन जी खूनी? हाँ खूनी। उसने एक इंसान के जज्बात का खून किया, उसकी मोहब्बत का, उसके अरमानों का, उसके जमीर का खून किया। कौन है वो, आप उन्हें जानते हैं? जानते हैं, बखूबी जानते हैं। उस औरत ने उसके साथ मोहब्बत का ढोंग किया, जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई, लेकिन जब शादी की तारीख पक्की हुई तो वो उल्टा बीमारी का बहाना करके अस्पताल चली गई, क्योंकि वहां के डॉक्टर से वो मोहब्बत करती थी। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की बेवफाई हरगिज नहीं। लेकिन दादी उन्होंने बेवफाई नहीं की, मेटन जी को सचमुच टीबी हो गई थी। झूठ। ये सच है, मेटन जी ने जानबूझकर उस डॉक्टर के साथ प्रेम का नाटक खेला ताकि उस शख्स की मोहब्बत नफरत में बदल जाए और शादी टूट जाए। उसने तुमसे झूठ कहा, अगर ये सच है तो वो बच कैसे गई? और अगर वो अच्छी हो गई तो उस शख्स के पास जाकर सच बात क्यों बताई? वो गई थी डैडी, लेकिन बहुत देर से पहुंची, मौत ने उन्हें धोखा दिया, वो अच्छी हो गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस शख्स की शादी हो चुकी है वो उन्हें नहीं मिली, और उस दिन से वो एक साध्वी का जीवन बिता रही है। डैडी अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की। तो क्या हमने? हाँ डैडी, आपने एक पुरुष की झूठी कहानी सुनी, मैंने आपको एक स्त्री की सच्ची कहानी सुनाई, और जो खुद मौत जैसी जिंदगी बिता रही है वो भला मुझसे क्यों बदला लेंगी? और वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। सच डैडी, चले गए, आप सच से हमेशा भागते रहे हैं डैडी। आज तक तुमने हमें हमें भुलावे में रखा, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें धोखा दिया। डैडी आप क्या कर रहे हैं? डैडी, डैडी आप क्या कर रहे हैं? वही जो बरसों पहले मुझे डैडी करना चाहिए था, बरसों पहले अचानक एक दिन जो आग दिल में जल उठी थी उसको बुझाने के लिए हमने शराब का सहारा लिया था, लेकिन इसने उस आग को बुझाया नहीं बल्कि और भी भड़का दिया। यहां तक कि हम भूल गए हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम सब कुछ भूल गए, मगर जो भूलना चाहते थे उसे न भूल सके। तो किसी ने हमारे साथ बेवफाई क्यों की, क्यों हमारे दिल पर जख्म दिया? डैडी तो क्या आप ही वो? हाँ बेटी, हम ही है वो बदकिस्मत इंसान
कम गलत करने के लिए हमने हमने इसे गले लगाया और हमें शैतान बनाने के लिए ये हमारे गले लग गई। ऐसी हालत में हमें क्या हक था कि एक मासूम लड़की से शादी करके उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दें। तड़पा तड़पा कर मौत के मुंह में धकेल दें। डैडी। हाँ बेटी, हमें कोई हक नहीं था कि हमारे होते हुए हम अपनी नन्ही सी बच्ची को एक यतीम और लावारिस की जिंदगी बिताने पर मजबूर करते हैं। बेटी, आज हमने महसूस किया कि अब तक हम जो कुछ करते रहे सब गलत था। हाँ बेटी, और सबसे बड़ा दुख हमें ये है कि अपने साथ हमने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं डैडी। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ की आत्मा कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर कर सको तो तुम हमें माफ कर देना। डैडी, मुझे क्या अधिकार है आपको माफ कर देने का? मैंने तो आपसे सिर्फ प्यार किया है और करती रहूंगी, ये मेरी माँ की आज्ञा है। सच डैडी, उन्होंने पत्र में मुझे लिखा है कि बेटी, तुम अपने पिता को सिर्फ बेटी का प्यार ही नहीं, माँ की ममता भी देना, इसीलिए मैंने यहाँ रहने की जिद की। बेटी, तुम हमें झूठी तसल्ली दे रही हो। नहीं डैडी, ये है वो पत्र, इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। उन्होंने लिखा है, बेटी, तुम्हारे पिताजी बुरे आदमी नहीं है, उन्हें कभी गलत न समझना, उनकी नफरत का जवाब नफरत से नहीं प्यार से देना, तुम्हारे प्यार से वो फिर इंसान बन सकते हैं। अगर तुम ये कर सको तो मेरी तड़पती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी, अब हमारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुख के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। डैडी, मां, आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। लाला। ओह माय, ओह हनी, हनी। मैं चौधरी कम। चौधरी साहब, आप डॉन गो नियर पिस्तौल लेकर आया होगा, ही मैं चौधरी हूँ। लाला, ठेकेदार, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चौधरी साहब, हम जैसे छोटे आदमी आप जैसे बड़े आदमी के घर अपने बेटे के रिश्ते की बात करने गए थे, हमसे भूल हुई, हम क्षमा चाहते हैं, हम बहुत लज्जित हैं, बहुत। We are shameless. हम प्रॉमिस करते हैं, माय सन, यू आर डॉटर से कभी नहीं मिलेगा। ये बात नहीं, गलती हमारी है, हमने आप लोगों को रिश्ते के लिए घर बुलाया और अपमान करके बाहर निकाल दिया। दरअसल किसी गलत फहमी की वजह से हम होश में नहीं थे, इसलिए हम यहाँ खुद आए हैं और आप दोनों से हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशी की भीख मांगते हैं। चौधरी साहब, वो नाउ यू आर स्टॉप, टॉक मी फर्स्ट। अगर आप इस ख्याल से यहाँ आए हैं कि हम अपना इंसल्ट भूलकर आपकी बेटी मीना को हम अपनी बहू बना लेंगे तो ये आपका ख्याल गलत है। नाउ फ्रॉम मीना इज डेड। ऐसा न कहिए बहन जी। बहन जी? तब बहन जी कहाँ मर गई थी जब उसके दो बेटे हस्बैंड को गेट आउट किया था? डोंट स्टॉप मी। आप ठीक ही कह रही हैं लाला, अब तक हमारी आंखों पर गलत फहमी का पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आज वो पर्दा हट गया। आज हमने महसूस किया कि अगर इंसान अहंकार को छोड़कर क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे, तो दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो जाए। इसीलिए लाला, आज हम तुमसे क्षमा मांगने आए। चौधरी साहब, इसमें माफी मांगनी। ये डोंट टॉक अगेन एंड अगेन, ये तो भगवान की दया है, हमको बचा लिया, नहीं तो मैड फादर की पागल बेटी बहू रानी बन के हमारे घर में आती और घर को बर्बाद कर देती। ऐसा ना कहिए मीना के लिए, ऐसा ना कहिए लाला। आज तक हमने अपना सर भगवान के सामने भी नहीं झुकाया, लेकिन आज
आज अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सर तुम्हारे पैरों पर रख देते। चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, कोई पत्थर नहीं। आपकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। लाला, हाँ हाँ चौधरी साहब, आपकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। नॉनसेंस, अपना इंसल्ट भी भूल गए? तुम चुप रहो जी। चौधरी साहब, जो गलती आपने की वो मैं नहीं करूंगा। हम अपने मान और अपमान के लिए बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। सुनिए, कुछ लेन देन की बातचीत अभी कर ले। तुम तो जानते हो सब कुछ मीना का ही है। चौधरी साहब, मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। मुझे पैसा बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए जिसे लाला कहा, वो आपका हंटर। इसके लिए जाइए, तैयारियां कीजिए। यू इडियट, नॉनसेंस, यू डफर, मेरे लिए हंटर मंगाते हो? पागल हो गए हो क्या? पागल था मगर अब नहीं। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की जो तुझे इंग्लैंड ले गया, जहां से जमुना से जेनी बनकर तू आ गई। देखो जमुना, मेरी अब भी ये प्रार्थना है कि इस लिबादे को उतार कर फेंक दो, अपने आप को फिर से हिंदुस्तानी सांचे में ढाल लो, ये घर स्वर्ग बन जाएगा। नो, आई डोंट लाइक दिस नेटिव कल्चर। मैडम, डू यू नो दिस थिंग, आवर कल्चर इज मच मोर डीप रूटेड देन योर दिस वेस्टर्न कल्चर। ओह हनी, यू स्पीक माय लैंग्वेज। ये तुम्हारे बाप की भाषा है। सुन लो, आज के बाद इस घर में सिवाय अपनी भाषा की और कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाएगी, समझी? नो, आई कांट। यू कांट, देन वेट। यू ब्रूट, यू बीटिंग मी। अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। हिंदुस्तानी बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। यस, नहीं हिंदुस्तानी में बोल, हिंदुस्तानी बोल। हाँ जी कहो, हाँ जी कहो। अब ऊपर जाओ और अपने बाल बाल ठीक करो और साड़ी पहनकर हिंदुस्तानी औरत बनकर आओ और अपने पति के चरण छुओ, समझे? पहले चरण छुओ। पहले बैठा नहीं जाता। हाँ छुओ, छुओ। हाँ अब जाओ, जाओ। अंग्रेजियां। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जान कालिया से बचेगी, और इतना ही नहीं। इतना ही नहीं क्या? यही कि तुम इतने चालाक निकलोगे, सबको धोखा देकर मुझे उड़ा ले जाओगे और मेरे हाजी बन बनोगे। क्या बोला तूने? हाजी बन। यार हाजी सुना था लेकिन हाजी बन नहीं सुना था। बॉम्बे बन होता है, कलकत्ता बन होता है, केरला बन होता है, आजकल बन की जगह घेराव शुरू हो गया, लेकिन तू अभी तक बन पे है। तू कौन सा बन बोल रही? वही जो अंग्रेजी में मर्द को कहते हैं। तेरा सत्यानाश, बैठ जा। हिंदी में जो मर्द को कहते हैं ना, उसे अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं। बोल। हाजी बन। हस्बैंड। हाजी बन। अच्छा तू बनी बोल, मैं बन समझूंगा। लेकिन एक बात तो बोल, ये अंग्रेजी तूने कहाँ से सीखी? आजकल मैं भी अंग्रेजी पढ़ती हूँ ना, तुम्हारे घर में सभी अंग्रेजी ठोकते हैं ना। हाँ मेरे घर में तो बहुत ठोका टाकी चलती है अंग्रेजी की, लेकिन तू क्यों ठोकने लगी? एक बात बोलूं? बको। सुन, तू जैसी है ना वैसी रहना, मुझे वही जंगली कबूतरी चाहिए, अंग्रेजी गुड़िया नहीं चाहिए। ए सुन, सुनिए, हजबन को सुनिए कहते हैं ना। हाँ कहते हैं। सुनिए, जब हमारी शादी होगी तो तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाना, मैं सारी रात पढ़ूंगी। शाबाश, तुम सारी रात अंग्रेजी पढ़ना और मैं सारी रात चपाती बनाऊंगा। क्यों? तुम देखकर खुश होना, तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी बन रही है और ये देखकर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करोगे। क्या खास प्यार करूंगा? अरे ये तो मीना भाभी की आवाज। चला बचाओ, बचाओ, अभी तक मारो, बीमार भी नहीं ढूंढा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। सुन, वो देख कालिया मीना भाभी को ले जा रहा। तुम जाओ, जल्दी जाओ, उसे पकड़ो, मीना भाभी को छुड़ाओ। अरे कैसे मैं उसको छुड़ाऊं? उसके साथ में 6 आदमी है, वो मुझे मार डालेगा। तू एक काम कर, तू जाके भैया को बुला, मैं उसका पीछा करता हूँ। तुम जाओ, हिंद क्या रहे हो, जाओ जल्दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे पाम ने जो मुझ पे जुल्म किया है उसी का बदला मैं आज तुमसे लूंगा। मालिक, वो रहा कालिया,
उसी ने मीना जी को झोपड़ी में बंद कर रखा है। डैडी, तुम सब क्या कर रहे थे? साथ में बंदूक किस लिए थी? हम चार आदमी 100 आदमियों का मुकाबला कैसे कर सकते थे मालिक? कालिया, तुम सबकी लाशें नजर आएंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो वरना। वरना क्या करोगे मालिक? गोली चलाओगे यही ना? तैयार। गोली चला के तो देखो मालिक। डैडी, गोली छूटते ही वो झोपड़ी जला दी जाएगी और साथ में तुम्हारी बेटी भी। डैडी, क्या चाहते हो तुम? बदला। अगर बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फेंक दो बंदूक। नहीं डैडी, नहीं, बंदूक मत फेंकिए, अपनी जान बचा लीजिए डैडी, प्लीज। अपने चौकीदार से भी कह दो बंदूक फेंक दे। फेंक दो बंदूक। नहीं डैडी, नहीं। आगे बढ़ो मालिक। आगे मत बढ़िए डैडी, आपकी जान खतरे में है। नहीं डैडी। मैं कहता हूँ आगे बढ़ो। आज दोनों तरफ से हार तुम्हारी है। परसों से जो तुमने जुल्म किया है हम गरीबों पर, आज उसी का बदला मैं तुमसे लूंगा। आगे बढ़ो। पहले हमारी बेटी को छोड़ दो। नहीं मालिक, तुम्हारी बेटी के सामने तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। नहीं दादी, आपकी इज्जत मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, आप इसके दोष में मत आइए। सोच लो मालिक, अपनी इज्जत चाहते हो या बेटी की जिंदगी? ऐसे हमको भी लगती थी। मेरी बेटी अंदर जल रही है, मैं उसे किसी सूरत में बचाऊंगा वरना उसके साथ जल जाऊंगा। नहीं मालिक, नहीं। तुम्हारे बाबू ने बिना बहन को बचा लिया। वो देखे मालिक। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई।
गली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लोए गली मुस्काई मुस्काई